आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अरविंद शुक्ला, बाबा भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ धाम के छोटे से खूबसूरत प्यारे से गांव नागजवे से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप सभी खुशहाल होंगे। आज की वीडियो में लिए चलता हूं मैं आपको माँ दुर्गा मंदिर थेवर के पास रेगू में दर्शन कराने के लिए। बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं लिए चलता हूं आपको माँ दुर्गा मंदिर फेगू में, जो कि 8 गांव 360 तीर्थ पुरोहित समाज की इष्ट देवी है। अब हम निकल चुके हैं फेगू के लिए। ये रास्ता है गांव की, जो खेती है खेती के रास्ते से हम निकल रहे हैं इस बार। देखिए सुंदर सा नज़ारा गांव का, प्यारा जो खूबसूरत गाँव है इसीलिए ये खूबसूरत है। देख लीजिए कितना सुंदर नज़ारा है सुबह का इस समय। ये जो आप देख रहे हैं ये खेती जो है, यहाँ पे लगभग जो खेती होती है वो माँ दुर्गा के खेत हैं। जब भी माँ दुर्गा अपने मायके नागजवे में आती है तो यहाँ पर इन खेतों में अवश्य जाती है, खेतों का निरीक्षण करती है। समझ लीजिए जब भी आप इसके बाद आएंगी, इसके बाद पूरे खेतों में यहाँ पे जाएंगी और नाचती है माँ दुर्गा। पूरे जो खेत हैं माँ दुर्गा के हैं, इधर में लगभग खेत देख रहे हैं, इसको 11 बोला जाता है। कभी 4 गाँव के साथ रामलीलाएँ होती थी, यहाँ पर रामलीला होती थी, नाटक होते थे नागजवे के ऊपर मारी और चिंचोली की, तो एक ही साथ यहाँ पर होती थी, तो इसको 11 बोला जाता है। और ये खेत जो है ये माँ दुर्गा के खेत हैं, इनमें जब भी माँ दुर्गा नागजवे आती है तो इन खेतों में निश्चित रूप जाती है और पूरी जो होता है खुशी से इन खेतों में नाचती है। तो यहीं पे माँ दुर्गा के खेत हैं, हालांकि काश्तकार गाँव के होते हैं। तो रास्ते में इस तरह से पेड़ों पे लटकाए हुए हैं गांव के लोगों ने, तो इसका कारण मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लोकल भाषा इसको डरोनिया बोलते हैं। डरोने का मतलब होता है कि डराने के लिए। जो जो धान की खेती है अभी पकने को तैयार है, इसके बाद क्या होता है सुअर वगैरह जो जानवर होते हैं ये आते हैं और खेतों को नुकसान पहुँचाते हैं, इसलिए डराने के लिए लगाए जाते हैं गाँव की तरफ से, गाँव के लोग लगाते हैं। हालांकि उतना प्रभाव अब नहीं पड़ रहा जानवरों को, जानवर भी सब सतर्क हो गए हैं कि ये वैसे कुछ चीज़ नहीं है। तो इसीलिए जो है अब जानवर भी डरते नहीं हैं, डरना उनको भी दूर हो गया, किसी चीज़ से डर नहीं रहे अब। तो इसके ऊपर जो था वो धान की खेती थी और इसके नीचे जो है वो मंडुवे की खेती है। मंडुवा इसको लोकल भाषा में गोदा बोला जाता है, बहुत ताकतवर चीज है। तो इससे ये खेती शुरू हो जाती है। यहाँ पर आधे पार्ट में धान है और आधे पार्ट में जो है जो मंडुवा है वो बोया गया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है, सुबह का नज़ारा है, ऊपर में बादल है और नीचे में देख लीजिए बारिश का समय, कोई बारिश का कोई मौसम नहीं है, बारिश का सीजन इस समय बारिश होने की कोई संभावना नहीं है, आप देख सकते हैं। और भूल से हम लोग छतरी भी नहीं लाए हैं, छाता भी नहीं लाए हैं, देखते हैं आगे क्या माँ की इच्छा होती है। तो हमें इस समय खेतों के बीचों बीच जो रास्ता है उस रास्ते से हम जा रहे हैं और देख लीजिए इसके पास में जो अनेक प्रकार के पक्षियां हैं, अनेक प्रकार की पक्षियां हैं। एक पक्षी इसमें तीतर बोल करके है, उसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, अभी सुन लीजिए इसको, ये करती है तीन तड़ा तीतरी। तो ये आप देख सकते हैं जो मंडुवा की खेती है उसके बीच कितने प्रकार की यहाँ पे दाल है वगैरह बोई गई हैं। ये दाल है, चौलाए है, उसके बाद ये तोर दाल है, सब कुछ यहाँ पे बोया गया है। ये मंडुवा है, इसके बीच में लगभग सब चीज़ होता है क्योंकि दाल वगैरह के लिए जो बेल होती हैं उनको अटकने के लिए कोई चीज़ चाहिए तो सख्त चीज़ होती है, इसमें चौलाई, तो चौलाई वगैरह के बीच इसको बोया जाता है। तो तरह तरह की दालें यहाँ पे एक साथ बोई गई हैं मंडुवा के बीच में।
तो परसों हमने इस यहाँ पर जो है विद्याधर महादेव के दर्शन कराए थे। आज की वीडियो देखने के बाद अवश्य ही परसों वाली जो वीडियो है उसको अवश्य देखें, विद्याधर महादेव वाली वीडियो अवश्य देखें। तो ये आप देख सकते हैं, ये है माँ का आसन है। माँ यहाँ पे जब बाहर आती हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए तो यहीं पे बैठती हैं। उसके बाद ये आपको दिखा दूँ मैं, ये हवन कुंड है। यहाँ पे समय समय पर हवन होते रहते हैं और बड़े बड़े यज्ञ होते रहते हैं जो कि होने चाहिए देवी देवताओं के लिए।
इतने बड़े जब जब समय समय पे अगर हवन किए जाए तो निश्चित शक्तियाँ बढ़ती हैं और भी बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे हवन किया जाता है। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि ऊपर में है, इसको बिंद्रा यहाँ पे बोलते हैं। बिंद्रा यहाँ पे देख लीजिए, शायद हो सकता है यहाँ पे कोई मंदिर बन रहा हो या अपूर्ण हुआ, इसकी तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है ये मंदिर नुमा बन रहा है, बन रहा था आज से नहीं, बहुत पहले से ही ऐसे ही है, इसको बिंद्रा बोला जाता है। और इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ माँ का जो झूला है, ये है झूला। यहाँ पे जब भी बाहर आकर के भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर माँ आती हैं तो यहीं पर झूला झूलती है, ये माँ का झूला है। तो आशा करता हूँ कि माँ आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेगी। तो सबसे बड़ी बात है, जब हम आप आज सुबह घर से निकले तो हल्की बारिश हो रही थी और हम छाता भी भूल गए थे। जब आधे रास्ते में आए तो हमको याद आई कि छाता हम मिलाए। माँ की कृपा रही कि बारिश नहीं हुई। इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, इसको मैंने बोला कि ये बिंद्रा इसको बोलते हैं। ये शायद हो सकता है यहाँ पे मंदिर बन रहा हो, अपूर्ण रहा, कोई कारणवश रहा होगा, ये तो मुझे जानकारी नहीं है। फिर मैं आपको बता दूँ, ऐसे जो कलाकृतियाँ हैं, देख लीजिए आप, आपको नज़दीक से मैं दिखा दूँ, ये कलाकृतियाँ हैं जो है आज बनना असंभव है। यहाँ पे जो चित्र बने हुए हैं देख लीजिए, हो सकता है यहाँ पे कुछ और दूसरा मंदिर बन रहा हो, इन्हीं कारणों से ये अपूर्ण रहा हो। ये देख लीजिए यहाँ पे इसका हल्का सा जो चौक जैसे बना हुआ है, निश्चित रूप से मंदिर का ढांचा था, पूरा मंदिर बन रहा होगा। इस साइड में देख लीजिए पूरा जो नियम ध्यान कर सकते हैं, पूरी बंद हो गई थी लेकिन आगे नहीं बन पाया, क्या कारण तो मुझे पता नहीं है। फिर भी मैं आपको दिखा दूँगा कि कलाकृतियाँ जो हैं आज होना बहुत असंभव है। फिर देख लीजिए कितने सुंदर कलाकृति की है। वापसी कर लीजिए अभी नाम के कारण, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। तो यहाँ पे देख लीजिए भोले शंकर के दर्शन कर लीजिए। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और माँ का आशीर्वाद आप पे बना रहे, समय समय पे आप दर्शन के लिए अवश्य आएँ। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय बाबा केदारनाथ, जय माँ दुर्गे, जय भैरवनाथ।